नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने संत रविदास जयंती पर देश और प्रदेश वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में 5 एकड़ जमीन पर विशाल रविदास मंदिर बनाया जाएगा। जसपा और भाजपा गठबंधन के 100 दिन पूरे होने पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया है। दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने को सफल बताया। उन्होंने कहा कि 100 दिन में गठबंधन सरकार ने प्रदेश में कई उपलब्धियां हासिल की। दुष्यंत चौटाला आज अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने आमजनों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने इनेलो विधायक और अपने चाचा अभय चौटाला के जसपा का भाजपा में विलय करने के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि इसी बात को उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल रहे थे, लेकिन अब वे इनेलो के हालात को समझ चुके हैं और अब पार्टी के दूसरे नेता भी जल्द ही इनेलो के हालात को जल्द ही समझेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बदलाव होगा। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद 100 में गठबंधन सरकार के गिरने का दावा कर रहे थे। इस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अगले 1500 दिन भी सरकार इसी मजबूती से खड़ी रहेगी। सक्षम योजना के कर्मचारियों को परमानेंट रोजगार देने के लिए सरकार विचार कर रही है। सक्षम योजना के कर्मचारियों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब देगी सरकार। जल्द ही लेबर एक्ट लाकर इनको परमानेंट रोजगार देगी। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। पहले तो संत शिरोमणि रविदास जी के आज इस पावन अवसर पर तमाम देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और एक खुशी की बात है कि इस पावन अवसर पर हरियाणा सरकार ने ये निर्णय लिया है 5 एकड़ जमीन पर एक विशाल रविदास मंदिर बनाया जाएगा, जो कि दोनों संगठनों ने मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 100 दिन पूरे होने पर एक ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है। और मैं ये मानता हूँ कि धर्म नगरी के अंदर ऐसे संत महात्माओं का, समाज सुधार में जिनका एक अहम योगदान रहा है, आज उनको एक ऐतिहासिक जगह देने का निर्णय अपने आप में पूरे प्रदेश भर के अंदर आज के इस पावन अवसर पर एक खुशी की लहर लेकर आया है। 100 दिन कैसे देखो? सक्सेसफुल मानता हूँ और एक चीज़ मानता हूँ कि 100 दिन के अंदर सक्सेसफुली एक नहीं अनेक ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई है जिसने प्रदेश को एक नए राह पर ले जाने का काम किया। क्या ग्राम पंचायतों से ग्राम सभाओं को अधिकार मिला और उससे 704 से भी बढ़ गई 872 ग्राम पंचायतों ने, ग्राम सभाओं ने लिखित में दिया है कि आगे वहाँ पर लिकर वेंड्स नहीं होने चाहिए। और इसी प्रकार से चाहे वो ट्रांसपोर्ट के अंदर नई बसों के जुड़ने की बात, चाहे वो माइनिंग सेक्टर के अंदर कानून लाकर इलीगल माइनिंग पर नकेल कसने की बात हो, शराब तस्करी पर नकेल कसने की बात हो, हर प्रकार से प्रदेश को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाने का प्रयास। अभय सिंह जी ने कहा कि 100 दिन पूरे होने पर नशे के खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी बयान नहीं लिया। अगर मैं कहता हूँ कि शराब तस्करी को रोकने के लिए हम कानून ला रहे हैं, नशा तस्करी को रोकने के लिए नॉन अवेलेबल 6 महीने का कानून ला रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है हमारी सरकार का ये निर्णय है कैसे लोगों पर हम नकेल कसने का काम करें। सरकार ने झूठ बोला है, जो 101 वादे जो गिनाए हैं, 101 काम, वो तो मेरे हाथ आपकी जेब में भी रखते हैं पूछने का तो काम करो कौन किसकी जेब से क्या माल लेकर गया है। हम तो वो लोग हैं जो सरकार की अगर जेब में कोई हाथ डालकर लूटने का भी काम कर रहा था उसको भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी का एक बड़ा उपलब्धि मैं कहता हूँ कि 2 बार पैडी की जो फिजिकल वेरिफिकेशन है उसके अंदर ये साबित हो गया, जो सालों से अगर गड़बड़ियाँ चल रही थी पैडी परचेज के अंदर, तो पहली कदम से सरकार ने और ख़ास तौर पर मेरे डिपार्टमेंट ने मजबूती से निर्णय लेकर उसको रोका। और इतिहास में पहली बार हुआ है कि स्टॉक आने पे ही हमने उसको 1% से कम क्वांटिटी में रोक लिया। नहीं तो ऐसे ऐसे टाइम रहे हैं जब 4-4, 5-5% स्टॉक ख़त्म होने के बाद भी लॉस दिखाया जाता था। तो अपने आप में
ये सरकार सीरियस है कि इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने का काम करे। एक अभय सिंह का कहना है कि जजपा जल्द ही बीजेपी में विलय करेगी। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहे थे, मध्यवर्ती चुनाव की बात भी कह रहे थे, क्या सक्सेसफुल 100 दिन आपको नहीं दिखे? क्या हमारी सरकार ने 100 दिनों के अंदर इस गठबंधन ने ऐतिहासिक निर्णय नहीं लिए? अगर ये सरकार इतनी मजबूती के साथ निर्णय ले सकती है हरियाणा के हित के लिए, चाहे वो छात्रों के हो, चाहे रोजगार के हो, चाहे 250 रुपये बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की बात हो, हर तरीके से इस सरकार का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है कि प्रदेश को प्रगति के पथ पर लेकर जाए। और मैं ये विश्वास दिला देता हूँ कि जननायक जनता पार्टी अपने ओर पे संगठन को मजबूत कर रही है। उनको चिंता होनी चाहिए कि दिन प्रतिदिन इनेलो की जो हालात है, शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोकदल उसको समझ चुके हैं, अब शायद उनके कैडर में भी इस चीज़ की समझ आए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या उम्मीद लग रही है? मैं तो ये मानता हूँ कि बदलाव के लिए दिल्ली की जनता ने वोट दिया है। जिस तरीके से 60% से कम पोलिंग हुई है, ये दिखाता है कि लोग बदलाव चाहते हैं। एक हुड्डा और शैलजा लगातार बयान दे रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी। कल शैलजा का बयान था कि प्रदेश में न कानून व्यवस्था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे उस दिन कह कर रहे थे 100 दिन में सरकार गिर जाएगी। आज तो 105 दिन हो गए, स्टेबल खड़ी है। और ये विश्वास हुड्डा साहब को दिला देना, अगले 1500 दिन भी इसी तरह स्टेबिलिटी के साथ हम सरकार चलाएंगे। सैलरी बढ़ाई जाएगी क्या? वो लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। सक्षम को ऑलरेडी जब उसको रोजगार मिलता है तो 9000 रुपये दिए जाते हैं, और वो कोई परमानेंट जॉब नहीं है, 100 घंटे रोजगार के। हमने रिलीफ दिया है कि अगर जिले के अंदर, जिले के साथ लगते हुए दूसरे जिले के ब्लॉक के अंदर भी रोजगार उपलब्ध है तो सक्षम को वहाँ एम्प्लॉय करेंगे। ये तो एक अपॉर्चुनिटी है। और जो हमारा लेबर एक्ट आएगा जिसमें 75% रोजगार का अधिकार है, इन सक्षम युवाओं को जो स्किल्ड है प्राइवेट इंडस्ट्री में हम मूव करने का काम करेंगे, जिनको इनको परमानेंट रोजगार के साधन भी उपलब्ध हैं। मुझे हरियाणा सरकार ने बिल पारित किया कि 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार दें। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसको लेकर के आप देखिए, मेरे डिपार्टमेंट लेबर ने इसको बनाया है, इंडस्ट्री से, स्किल डेवलपमेंट से और साथ में एम्प्लॉयमेंट से सलाह मशवरा करके इसको हमने स्ट्रीमलाइन किया है। और इस एक्ट के अंदर ये प्रावधान डाला है कि जो भी सैलरी 50,000 से नीचे लेने वाले जॉब्स हैं, ये बिल उनके अंदर लागू हो जाए। कई लोगों को ये चिंता थी कि हमें सारे कैडर को बदलना पड़ेगा, ये शुरुआत है। इसको जो कोई नौकरी में बैठा है उसको हटाने का प्रावधान नहीं है, पर आज के बाद हरियाणा प्रदेश में जितनी भी नौकरियाँ निकलेगी उसमें हरियाणा की हिस्सेदारी लाने का हम काम करेंगे। बिल्कुल एक चीज़ जरूर गंभीरता से इस बिल के अंदर हम लागू करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स हैं जिनको हम कॉन्ट्रैक्चुअल ए और बी के तहत इम्प्लॉय करते हैं, उसके अंदर पूरी तौर पर हम लागू करेंगे। उसके अंदर कहीं भी हमारे प्रदेश के सक्षम युवाओं को हम एडजस्ट करने के लिए इसको आगे लेकर जाने का काम करेंगे। उसकी 25 तारीख है, ड्रोन से सर्वे हो चुका, जो माननीय हाईकोर्ट द्वारा इसका रिपोर्ट मांगी गई थी, डिपार्टमेंट उसकी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। अनूप जी का विभाग है, वो इसको पर्सनली मॉनिटर भी कर रहे हैं, और उनके साथ एक कैपेबल ऑफिसर खेमका जी लगे हुए हैं जिनने बड़ी गहराई के साथ इस मामले को निपटाने के लिए अपने कदम